हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 11 + 5 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 16 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 15 + 6 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 105 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 17 + 7 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 168 के इक्वल दिया गया है। और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 13 + 3 जिसका सम आपका इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा। और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किस का यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 11 + 5 जिसका सम आपका इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा। और 16 आपको यहां पे भी दिख रहा है। नेक्स्ट 15 + 6 जिसका सम आपका इक्वल होगा 21 के इक्वल होगा। और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 105 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 17 + 7 जिसका सम आपका इक्वल होगा 24 के इक्वल होगा। और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 168 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 13 + 3 जिसका सम आपका इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा। और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किसका यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सम लेना है, इन दोनों नंबर का सम लेना है। यानी कि आपको सम लेना है 11 + 5 का सम लेना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा। और 16 मल्टीप्लाई करना आपको फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस से। यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 11 और उसका यूनिट प्लेस जो कि आपका रहेगा 1 रहेगा। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है, 16 × 1 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा। और 16 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सम लेना है, इन दोनों नंबर का सम लेना है। यानी कि आपको सम लेना है 15 + 6 का सम लेना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 21 के इक्वल होगा। और 21 मल्टीप्लाई करना आपको फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस से। यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पे 15 और उसका यूनिट प्लेस जो कि आपके यहाँ पे रहेगा 5 रहेगा। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है, 21 × 5 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 105 के इक्वल होगा। और 105 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सम लेना है, इन दोनों नंबर का सम लेना है। यानी कि आपको सम लेना है 17 + 7 का सम लेना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 24 के इक्वल होगा। वो 24 मल्टीप्लाई करना आपको फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस से। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पे 17 और उसका यूनिट प्लेस जो कि आपका यहाँ पे रहेगा 7 रहेगा। यानी कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 24 × 7 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 168 के इक्वल होगा। और 168 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह सेम फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सम लेना है, इन दोनों नंबर का सम लेना है। यानी कि आपको सम लेना है 13 + 3 का सम लेना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा। और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस से। यहाँ पर जो आपके फर्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पे 13 और उसका यूनिट प्लेस जो कि आपका यहाँ पे रहेगा 3 रहेगा। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है, 16 × 3 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 48 के इक्वल होगा। यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहां पे आपके पास क्या आएगा, 48 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इंफॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।